जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपका श्रवण टेक्निकल में। तो चलिए टेक्नीशियन जी, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी हम लोग को करना है MDB फाइनल टर्मिनेशन, तो इसमें आप देखिए ये केबल सब है। तो सबसे पहले इस केबल को हम लोग खोलेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग, सारा केबल बाहर निकाल दिए हैं और इसको चेक भी करना होगा। तो ये केबल जो अलग अलग करना पड़ता है, देखना पड़ेगा कौन सा केबल कैसा है, किसका है, क्या है। तो चलिए अभी इसको काट के हम लोग बाहर निकाल देते हैं केबल को। ये 35 का केबल है, एक केबल सारा 35 mm का है। तो देखिए अभी हम लोग केबल जो है निकाल दिए हैं। अब MDB जो है 2 MDB है, तो फिलहाल एक करना है, एक को बाद में होगा क्योंकि ये 3 फेस वाला है, सिंगल फेस का यहाँ पे लगाना चाहिए, 3 फेस लगा हुआ है। तो एक 3 फेस जो है उसका कनेक्शन तो होगा, और सिंगल फेस वाला का छोड़ देंगे, वो पैनल चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए अभी एक केबल हो गया, उसके बाद अब हम ये MDB खोलते हैं। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है, इसको खोलेंगे बढ़िया तरीक़ा से। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं क्या करें, अभी ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता है, दो दो दिन काम करने में लग जाता है। ये देखिए अभी हम लोग इसको खोल दे रहे हैं, ओपन करेंगे तब जाके इसका जो अंदर का काम है वो सेटिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी जो बनाया हुआ है उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे तो अच्छा दिखेगा ही नहीं थोड़ा भी, इसलिए अपने से सेटिंग करना पड़ता है पैनल का। तो सबसे पहले इसको कवर को जो है खोल के निकालेंगे और देखेंगे क्या क्या करना है इसमें, किस तरह का पैनल है। अच्छा से देखिए पैनल, किधर वायर बांधेंगे, किधर क्या करेंगे, ऐसा ये सब अपने से देखना पड़ता है, ये सब नॉर्मल है, कोई बहुत वो नहीं है। कंपनी को तो देखिए, इसको अभी हम लोग खोल दिए हैं, इसमें देख सकते हैं आप सब कितना ब्रेकर है, इसमें तकरीबन 8 ब्रेकर है, और एक मेन को ले लेंगे तो 9 पीस हो जाएगा। ये देखिए ये न्यूट्रल है, और ये ब्रेकर जो है वो सारा 40 एम्पियर का है, 40 एम्पियर का 8 ब्रेकर है, और ये मेन वाला ब्रेकर है। तो 3 4 5 10 ब्रेकर है तब इसमें। तो ये वाला भी खोल देंगे, दूसरा वाला भी 2 है, 2 MDB आपको हम बताए थे। तो एक में 8 केबल है, एक में 4 केबल है, तो एक एक मेन लेके एक में 5 हो जाएगा, एक में 9 केबल हो जाएगा। तो दूसरे वाले को भी खोलते हैं, तो देख सकते हैं आप सब अभी ये दूसरा वाला भी MDB खुल गया, और दूसरे वाले को ही करना है। वो जो पहला वाला केबल है इसमें देखिए, इसमें 6 6 ब्रेकर है, आउट गोइंग 6 है, लेकिन केबल इसमें 5 है, एक मेन है और 2 केबल को आउट गोइंग करना है। तो इसमें समझिए आपकी 2 स्पेयर में है ब्रेकर, ये भी सब 40 एम्पियर का है। तो इसको अभी क्या करना है, इसको पहले सेटिंग करेंगे। तो देखिए ये ग्राउंडिंग के लिए हम लोग ऊपर लगा दिए हैं, और न्यूट्रल ये साइड में है, और ये देखिए ये वाला जो है बीच में दे दिया है, तो उधर से केवल उसको खोल के अभी इसका कटिंग करेंगे। कटिंग करके फिर इसको साइड में लगाएंगे ताकि इजी हो जाए टर्मिनेशन करने के लिए। तो अभी ये बीच से हम काट देंगे इसको ग्लेंडर से, चलिए इसको काट देते हैं, सही तरीके से काट देंगे। मार्किंग कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन अपना होल जो उसमें दिया हुआ है उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि उसको फिर कसना भी है। तो इसलिए अब इसको ग्लेंडर से जो है वो 2 भाग में बांट देंगे, दोनों साइड में लगा देंगे, हम लोग को इजी हो जाएगा टर्मिनेशन करने में। यही सेटिंग होता है पैनल का, सेटिंग कर लिए तो समझिए कि आप सेटिंग कर लिए, टर्मिनेशन करने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
फाइनलों का जो है वो सेटिंग देखना है, कौन सा केबल किधर बैठाएंगे तो अच्छा लगेगा उसके हिसाब से देखना है। तो अभी देखिए आप, ये दो भाग में बंट गया है, तो पहले बीच में दिया हुआ था, अभी इसको हम लोग वहाँ से हटा देंगे, साइड में कर देंगे। पहले देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ था, तो इधर केबल आएगा तो दिक्कत करेगा, तो इसको अभी तोड़ भी देंगे, तोड़ के निकाल देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। इस तरह से तोड़ देंगे, और अर्थिंग है, केबल लाने में उधर से दिक्कत होगा, केबल को काट देगा या केबल के अंदर घुस जाएगा तो फिर पावर चालू हुआ तो फाइनल ही जल जाएगा, इसीलिए उसको हटाना पड़ेगा। तो उधर से शिफ्ट कर रहे हैं ग्राउंडिंग, तो अब उसका काम ही ख़त्म हो गया। अभी देखिए हम लोग जो है दोनों साइड में, एक साइड में, दोनों साइड में दिया हुआ था, एक न्यूट्रल के लिए और एक ग्राउंडिंग के लिए, तो न्यूट्रल भी हटा दिए हम लोग, अभी ग्राउंडिंग भी चेंज कर देंगे। तो देख सकते हैं अभी आप सब, हम लोग जो है ये मार्किंग कर रहे हैं, ग्राउंडिंग होल मार के अपने से तरतीब करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए इस पे हम लोग बॉडी पे ही अपने से डाल देंगे, ताकि अच्छा भी दिखेगा और केवल इजी साइड में आ भी जाएगा। तो होल मारेंगे और उसको टाइट कर देंगे। देखिए हम लोग जो है वो होल मार रहे हैं, मार्किंग करके होल मारना पड़ता है, बीट थोड़ा पुराना है, नहीं जा रहा है जल्दी अंदर, लेकिन अब जो है वो उसी से काम करना पड़ेगा। सैलरी भी नहीं है इतना, जो खरीद के नया लाएंगे हम लोग, कंपनी देगी तो होगा, नहीं देगी नहीं होगा, क्या करेंगे, सब माल जो है वो पुराना पुराना रखा है। तो दोनों साइड में दो दो होल मारना है, चार होल मारना है, एक होल हुआ अभी तक, ये दूसरा होल भी, दो तरह का, एक म्यूजिक वाला भी जल्दी जल्दी फास्ट करके डाले हैं, म्यूजिक वाला वीडियो भी डाल रहे हैं अभी, और ये एक्सप्लेन करके भी वीडियो डाल रहे हैं, जो अच्छा लगेगा वो आप लोग देखिए। तो यहाँ पे जो है देख रहे हैं, बीट इतना ख़राब है कि आग निकल रहा है होल करते समय, इस तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छा बीट, नया बीट रहता तो जल्दी जल्दी होल हो जाता। देखिए अभी फाइनल क्या करेंगे, ये जो बॉडी है ये पूरा खोल देंगे, खोलेंगे तभी अंदर वो जो होल मारे हैं उसमें बोल्ट घुसाने के लिए हम लोग को स्पेस मिलेगा, क्योंकि ये चिपका हुआ रहता है, नट बोल्ट से टाइट है। इसको खोलेंगे बढ़िया से, खोल के दो आदमी को पकड़ना पड़ेगा, फिर जाके वो कसाएगा अर्थिंग बॉडी के ऊपर, इधर का भी लूज कर देंगे दोनों साइड से, स्क्रू होता है वो स्क्रू भी लूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा लूज करेंगे, फिर बाहर की तरफ निकाल के उसको कस देंगे। ये देखिए अभी ये खुल गया, इधर का भी खुल गया है, स्क्रू जो है वो लूज कर देंगे या खोल के निकाल लेंगे, वेट तो होता है, लेकिन एक आदमी स्पेशल उसको पकड़ेगा ताकि फटाफट हो जाए, गिरेगा नहीं, ज़्यादा भारी होता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो दो भाग में अर्थिंग हम लोग काटे थे उसको देखिए, ये अंदर से नट घुसा के अभी इसमें टाइट कर देंगे बॉडी में, ताकि वो अर्थिंग जो है उसको कस दे। ये देखिए इसको कस दिया गया है, इसको भी ऐसे ही टाइट कर देंगे अच्छा से बना के, और सीधा सीधा रहेगा तो और अच्छा दिखेगा, नहीं टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो बेकार दिखता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और इस तरह से इस पे बॉडी पे जो है देखिए अभी अर्थिंग जो है हम कस देंगे, और फिर जैसे फाइनल था ऐसे फाइनल को फिर सेट कर देंगे। तो अभी ये टाइट कर दिया जाएगा, इसमें तकरीबन आपका टाइम पकड़ता है 2-3 घंटा टाइम पकड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काट काट के हम लोग वीडियो बनाए हैं।
अभी देखिए टाइट हो गया, अभी रीच से भी टाइट करना पड़ेगा, फुल टाइट करेंगे। इसका स्पेनर जो है, स्पेनर लेके 10 का स्पेनर से अच्छा से टाइट कर देंगे। ये देखिए दोनों साइड में भी, दोनों साइड में लगाना है, एक लग गया, एक लगाएंगे, ये दूसरा वाला भी अभी लगा देंगे। इसमें अभी आपका 8वीं केबल आएगा, तो 8 ग्राउंडिंग इसका दोनों साइड में चार चार करके, पांच पांच के लिए जगह है। ऐसे तो जगह बहुत है लगाने के लिए, इतना ज़्यादा आएगा नहीं। 10 ब्रेकर इसमें दिया हुआ है, 10 8 ऐसे रहता है, 6। तो इसको मैं देखिए, अभी हम लोग जो है ग्राउंडिंग को कस दिए हैं। डरना नहीं है, करना है, एकदम कीजिए आराम से, बहुत अच्छा काम होगा। आप लोग भी इस तरह से सेटिंग कीजिए पैनल का, ध्यान रखिए बस फेस के साथ कहीं कुछ कनेक्ट ना हो जाए। ये सीटी भी खोलना पड़ेगा, तो पहले इसको टाइट कर देते हैं, फिर सीटी को खोलेंगे तो मजबूत टाइट कर देंगे, एक ही बार फिक्स हो जाएगा। देखिए अभी ये बढ़िया से एकदम लग गया, जहाँ जहाँ से वो नटवा उठाए उखाड़े थे, इसका नट लगा हुआ था वहाँ पे टाई बंद लगा दिए हैं, टाई माउंट इसको बोला जाता है। तो अभी देखिए टाई माउंट को जो है वो फिक्स करेंगे, ताकि केवल बांधे तो ये उखड़े नहीं। तो देख सकते हैं आप सब, ये टाई माउंट अभी जो है वो स्क्रू लेके, ये बटन स्क्रू से टाइट कर दे रहे हैं, मजबूत टाइट हो जाएगा ऐसे। कितना भी केवल मोटा रहेगा तो उखड़ता नहीं है, नहीं तो उसमें जो गोंद होता है वो उखड़ जाता है बाद में, गर्म होगा तो। देख सकते हैं ये रहा इसका केबल का जो है वो ग्लेन, ग्लेन इसको बोलते हैं, ये ग्लेन है केबल में डालने के लिए, कॉपर ग्लेन इसको बोला जाता है, और पीवीसी का रहेगा तो पीवीसी ग्लेन हो जाएगा, ये कॉपर ग्लेन है। ये ग्लेन है, और ग्राउंडिंग के लिए पीजी डाला जाएगा, ये रहा पीजी। 35 का केबल है सब, तो ये ग्लेन सब नाप लिए हैं हम लोग, देख लिए हैं। 40S देखिए, F10 है, F10 यानी कि 4x25 mm का होगा, तो ये ग्लेन जो है वो 25 mm का ही लगेगा। तो जितना साइज का रहेगा, इसमें एक में देखिए 8 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक मेन हो गया 8, और 2 पीस स्पेयर है, उसमें केवल बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो डलाएगा। इसमें दिया हुआ है 4, और एक स्पेयर दिया हुआ है, 5 ब्रेकर है, और एक मेन को ले लेंगे तो 6 पीस हो जाएगा, और ये सब 25 का है, 8 और 6, एक में 4 है, एक में 8 है, तो ये सब एक में 5 और एक में 4 है, सॉरी, तो ये सब एक ही साइज है केवल का। तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले होल मार्किंग करेंगे, होल मारने के लिए ऊपर के तरफ, ताकि केवल सेफ आ जाए। तो ये आपका जो है ये जाम हो जाएगा, उसके बाद मकीता फ्री होगा, मकीता फ्री होने के बाद में हम लोग इसको सही करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, बढ़िया से। ये देखिए अभी ये फिक्स हो गया, तो पूरा टाई माउंट को फिक्स कर देंगे। केवल बांधने में आसानी होता है, टाई मारने में बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो जल्दी हार्ड होता है ना केवल, तो जल्दी लगता नहीं है, उखड़ उखड़ जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब अपने दिमाग से करना पड़ता है। तो ये रहा आपका ग्लेन जो है वो मेन के लिए, मेन के लिए देखिए ये मार्किंग कर दे रहे हैं, और फिर उसका भी मार्किंग करेंगे। ऐसे हिसाब से मार्किंग करना है, तो जो सीटी है उसके सेंटर में ही पड़े, नहीं तो फिर केवल मोड़ के लेके आना पड़ेगा सीटी के अंदर। तो ये मार्किंग हमारा जो है
वो देखिए मार्किंग हो गया है। इसी तरह से ये देखिए सब मार्किंग कर दिए हैं। जो बड़ा बड़ा है उसमें होल मॉल लगेगा ग्लेन वाला, और छोटा छोटा में पीजी लगेगा। तो अभी होल काटना जो है वो हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो देखिए ये पीजी का जो होल है वो मार देंगे यहाँ पे। पीजी के लिए ग्राउंडिंग भी इसी में जाएगा, तो उसका बीट नहीं है इसीलिए दूसरे बीट से होल मार दिए हम। अब इसमें जो है टाइट कर देंगे पीजी और ग्लेन। देखिए ये रहा पीजी, अब नीचे से उसका जो है चूड़ी चूड़ी दे दिए हैं, लगा देंगे। ये हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं वो है। देखिए ये नॉर्मली आपका जो है इसका चूड़ी जो है लगा के अच्छा से टाइट करेंगे मजबूत, ताकि इधर उधर ना हो और बढ़िया से काम चले, कोई भी दिक्कत ना आए भविष्य में भी। अभी का सोच के करने से नहीं होगा कि अभी कर लिए और पीछा छूट गया भाई चलो इधर से, नहीं करना है तो ऐसे हिसाब से कीजिए कि जो भी आए देखे तो बोले कि भाई काम करके गया है बंदा, अच्छा काम करके गया है। इसीलिए मजबूत काम कीजिए, खोल दिए थे ताकि टाइट करने में सुविधा रहेगा, नहीं तो ऊपर से बैठ जाएगा फिर ग्राउंडिंग नहीं घुसेगा। इसी तरह से अब जो है सारा ग्लेन व्लेन सब कस देंगे बिजली लगाने के बाद। ये उल्टा लगता है लग गया है इसीलिए नहीं जा रहा है इसमें। तो देखिए अभी इसमें ग्लेन अब पूरे लगा देंगे, पीजी भी सारा लगा देंगे, फिर केबल को छीलेंगे और डालेंगे। देखिए अभी एक और बाकी है, अभी जो है ये थोड़ा बड़ा है तो बीट से होल मार देंगे, नहीं तो 13.5 11 का है, 11 का है वो पीजी, इसीलिए ये 13.5 का है, ये थोड़ा बड़ा है तो ये बीट है हम लोग के पास में, तो बीट से मार दे रहे हैं। अच्छा से होल काटेंगे बढ़िया तरीके से जबरदस्त। तो ये जो है आपका आप देख सकते हैं ये होल हो गया है। सारा होल मारने के बाद में ग्लेन ओलेन पीजी 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 देखिए अभी 5 है तो टोटल 5 पीजी हो गया। अभी 5 ग्लेन जो है वो इस तरह से देखिए ग्लेन लगा दिए, ये ग्लेन भी लगा दिए हम देख सकते हैं। 3 और 2 इस साइड में है, 5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले केवल को छीलेंगे, केवल का जो नंबर था वो नंबरिंग हम लोग कर दिए हैं। ये लिखना तो चाहिए वाइटनर से लेकिन वाइटनर नहीं है, फिलहाल टेप मार के जो जो केवल का साइज है वो हम लोग लिख दिए हैं। अभी ये सीटी खोल देंगे नहीं तो टूट जाएगा, केवल डालना है तो सबसे पहले सीटी को जो है सीटी खोल देते हैं और केवल को डालना है। ये सीटी आपका खुल गया, ये देखिए अभी केवल जो है जितना चाहिए उतना रख के बाकी केवल हम जो है वो काट दिए हैं। अब केवल को छील देंगे, केवल छील देंगे ताकि वो फाइनल के अंदर डाल सके, नहीं तो नहीं छीलेंगे तो दिक्कत होता है ज़्यादा, इसीलिए केवल को जो है आराम से छील के फिर टेप मारेंगे, बढ़िया तरीके से टेप मारेंगे। देखिए कितना अच्छा स्मूथ केवल निकल रहा है, देख सकते हैं आप सब। देखिए केवल का केवल जो है वो हम छील दिए हैं, अभी सारा केवल छील लेंगे, जितना केवल है वो सब छीलेंगे। और इसका ग्लेन का जो टोपी कहिए या टॉप कहिए वो लगा देंगे इस तरह से। केवल डालने के बाद में देखिए अभी इसका जो है बढ़िया से ड्रेसिंग करेंगे,
बांधेंगे मजबूत ताकि दिखे एकदम सीधा सीधा और अच्छा दिखे। ये जो केवल है वो सारा केवल बड़ा बड़ा छीले हैं इसलिए ताकि अंदर डालने के बाद में फिर दोबारा हम उसको छील के अच्छा कर देंगे। और देख सकते हैं आप सब जो बड़ा केवल छीले हुए थे वो सबको निकाल दिए हैं। अभी केवल जो है वो बांध दिए हैं और स्टार्ट कर दिए हैं टर्मिनेशन। तो देखिए अभी आप ग्राउंडिंग का टर्मिनेशन कर रहे हैं। देख सकते हैं आप सब कितना बेहतर तरीके से ग्राउंडिंग को लगाएंगे। देखिए ये देखिए अभी क्या करेंगे, इसको पहले काटेंगे, नाप के लॉक लगाना पड़ेगा। लॉक के हिसाब से नाप दिए हैं, अब इसको काट देंगे। काटने के बाद में इसका जो लॉक है, लॉक कितना चाहिए उतना छील लेंगे लॉक से नाप के। उसके बाद छीलने के बाद में फिर इसको लॉक लगाएंगे, छीलेंगे पहले अच्छा से, जितना चाहिए उतना बराबर से छीलेंगे, नहीं तो बाहर की तरफ दिखता है। लगाएंगे लॉक तो बाहर की तरफ, देखिए अभी ये छिल गया। और इसमें आप क्या करेंगे, लॉक लगाएंगे, देखिए कितना अच्छा से छीले हैं, बाहर थोड़ा भी नहीं दिख रहा है ना, अंदर गया है, सेम सेम होना चाहिए। अभी इसको पंचिंग करेंगे, ये देखिए बढ़िया तरीके से इसको पंचिंग कर देंगे मजबूत, लॉक को पंचिंग कर देंगे। देखिए अभी पंचिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम पकड़ता है पंचिंग करने में, लेकिन देखिए 16 का लॉक है। अभी ये पंचिंग हो गया, देखिए कितना बढ़िया पंचिंग हुआ है। अब क्या करेंगे, इसका रेगम डाल देंगे। अच्छा तरीके से इसी तरह से सारा जितना ग्राउंडिंग है, दो ग्राउंडिंग, तीन और दो पांच है, तो दो ग्राउंडिंग इधर है, तीन उस साइड में है, पांच हो जाएगा। तो दोनों ग्राउंडिंग इधर का लग गया। फिर अब न्यूट्रल को लगाएंगे। ग्राउंडिंग लगाने के बाद में बढ़िया से सेम सेम से सीधा सीधा कर देना है ताकि देखने में लगे कि हाँ किया है कोई। अब न्यूट्रल को जो है लगाएंगे, न्यूट्रल को मोड़ के, देखिए अभी न्यूट्रल कट गया। न्यूट्रल भी लॉक्स से नापेंगे, न छोटा हो न छोटा होना चाहिए, न बड़ा होना चाहिए, जो होना चाहिए वो एकदम फिक्स होना चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगेगा। देख सकते हैं आप सब कितना अच्छा से कटिंग हुआ है नाप के। अभी इसको भी पंचिंग जो है हम लोग कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी है यहाँ पे जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड गर्मी है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि पूछिए मत। अब ये फाइनल हो जाएगा तभी एसी आना चलेगा, इसीलिए जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, काम ख़त्म हो जाएगा इधर का। तो देखिए आप सब पंचिंग जो है वो हम लोग कर दिए हैं। न्यूट्रल को अब लगा देंगे, न्यूट्रल थोड़ा सा उसको सीधा करेंगे, ये खोलेंगे भाई साहब, इसका नट बोल्ट लूज करके खोल देंगे। टाइम पकड़ता है ये सब काम है, टर्मिनेशन का काम, लेकिन है मियाँ मियाँ काम, इलेक्ट्रिक काम में सबसे अच्छा काम यही है। लेकिन भाई साहब मोटा मोटा केबल मिलता है तो जीना हराम हो जाता है, पतला केबल है तब तक तो कोई बात नहीं है, मेहनत भी काफ़ी कीजिएगा तब जाके थोड़ा अच्छा दिखेगा, बहुत मेहनत करना भी पड़ता है। लेकिन काम तो काम है, कोई भी काम करना ही पड़ता है, मेहनत से कीजिएगा तो दिखेगा कि हाँ भाई मेहनत किया है बंदा, क्योंकि काम आपका साफ़ सुथरा होगा और अच्छा भी होगा, अलग से देखेगा कोई भी तो बोलेगा भाई काम किया है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल भी हम लोग ऐसे टाइट कर देंगे। देखिए बढ़िया से एकदम टाइट करेंगे मजबूत ताकि थोड़ा भी
इधर उधर ना हो, नहीं तो बाद में एस्पायर करता है। तो देखिए अभी हम लोग जो है इसको दोनों न्यूट्रल भी लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप सब कैसा दिख रहा है, देख रहे हैं ना, साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए, और टेक्नीशियन जी को सपोर्ट कीजिए। अभी चलिए अभी हम लोग जो है वो फेस लगाएंगे। ये देखिए रेड को, चलिए तब सबसे पहले इधर से रेड का शुरुआत करते हैं और रेड को लगा लेते हैं ब्रेकर में। अब उसके बाद दूसरे वाला साइड में भी रेड और येलो को काट के लगाएंगे आराम आराम से। टर्मिनेशन में घबराना नहीं चाहिए, जितना प्रेम से कीजिएगा उतना ही आपका अच्छा रहेगा। तो अभी देखिए आप येलो को भी जो है वो हम लगा लिए हैं। इसके बाद से येलो लग गया, अब ब्लू लगाएंगे। देखिए कितना इजी लग रहा है, आराम आराम से एकदम से शांति से, जितना शांत होकर काम कीजिए ना ही अच्छा है आपके लिए। पूरा 25 का केबल है, कोई ज़्यादा मोटा केबल इसमें तो नहीं है। तो आपका ये एक केबल जो है वो टर्मिनेशन हो गया। अभी इसका एक केबल और बचा है और एक मेन है, उसको भी करना है। देख सकते हैं आप सब एक साइड में दो केबल लगा दिए हैं। अभी ये दूसरे वाले का जो है कि मेन ग्राउंडिंग है, इसका मेन के लिए ग्राउंडिंग जो है वो मोड़ के लेके आए हैं। 35 का मेन है, नहीं शायद 50 का है, 50 का है, 50 mm का मेन केबल है इसमें। यूपीएस से MDB में दे रहा है कनेक्शन इसका। तो अभी देखिए मेन के लिए हम लोग पंचिंग करके काट के पंचिंग करके और वो मेन भी लगा दिए। अब ये जो है तीनों केबल उल्टा पड़ गया है, तो इसको भी लॉक से नाप के, ज़्यादा कट जाएगा तो अच्छा नहीं दिखता है। रेगम चढ़ाने के बाद कवर तो कर लेता है लेकिन वो बेकार है, वहाँ पे रेगम से भी उतना कवर नहीं हो पाता है। तो जितना ज़रूरी है उतना ही छीलते हैं, थोड़ा 1 मिली कम भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन परफेक्ट जाना चाहिए एकदम से, उस तरह से सही रहेगा। ज़्यादा छीलने के बाद में पंचिंग भी अच्छा नहीं होगा और बाद में रेगम पे भी दिख जाता है कि हाँ यहाँ से थोड़ा ज़्यादा छीला हुआ है, इसलिए परफेक्ट छीलेंगे और इसको ठोक के चढ़ा देंगे। टाइट जा रहा है, अच्छा है, पंचिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना मेहनत लगेगा। तो अभी ब्लू को ही सबसे पहले हम लोग लगा रहे हैं, ब्लू फ्री है, इसको इधर उधर नहीं मोड़ना है। तो अभी देखिए पंचिंग लॉक को कर दिए, उसके बाद रेगम डालेंगे, रेगम डालने के बाद इसको टाइट कर देंगे। स्टार स्क्रू ड्राइवर शायद लगता है इसमें। अभी इसका सीटी लगाना बाकी है, अभी फ़िलहाल इसको लगा के रख देते हैं क्योंकि इसका सीटी भी लगाना पड़ेगा। अच्छा ये देखिए अभी जो है येलो वाले का भी सेम कटिंग करेंगे और पंचिंग करके
फारूक अब्दुल्ला से जो है केवल को काट देंगे, हाइट है कट नहीं रहा है, ज़्यादा हाइट हो गया है इसका भी लॉक ठोकेंगे। लॉक ठोकने के बाद पंचिंग करो, अच्छा से देख लेंगे पहले। सही, हाँ एकदम मियाँ है, परफेक्ट है। अब इसको पंचिंग कर देंगे बढ़िया से एकदम। तीन बार पंचिंग करेंगे, ये हो गया, देखिए कितना अच्छा पंचिंग हुआ है, लॉक चप गया बढ़िया से एकदम। अब इसको जो है रेड वाले को भी सेम प्रोसेस से इसको भी कर देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए स्किप कर कर के बना रहे हैं। अभी देखिए तीनों का लॉक हो गया, पंचिंग हो गया, अब सीटी लगा देंगे इसका। अभी इसका जो है टाइट कर देंगे बढ़िया से। सिक्स कैलिंग की हमारे पास छोटा वाला है, बड़ा वाला नहीं है, तो अभी ये सिक्स का जो है एलेंग की से टाइट कर देंगे, फुल टाइट करेंगे एकदम। अभी ये आपका टर्मिनेशन जो है और फुल टर्मिनेशन फाइनल का हो गया, तो देख सकते हैं आप सब। अभी इसका जो हम शक्ल आपको दिखाएंगे, देखिए एक छूट गया है इसका, तो अभी हीट गन से हीट कर देंगे। बढ़िया से हीट करेंगे ताकि रेगम चिपक जाए। जो थोड़ा दिख रहा होगा या कुछ भी हो रहा होगा तो उसको चढ़ा देंगे उस पर रेगम को, ताकि कवर कर ले। अभी बढ़िया से पूरा रेगम से जो है रेगम चढ़ा हीट कर देंगे, रेगम हीट करने पर चिपक जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए अभी हम जो है पूरा हीट कर दिए, सबको हीट करेंगे, पांचों केबल को, जितना रहेगा में जितना है सब हीट कर देंगे, अच्छा से हीट हो जाएगा। मेन अलग न्यूट्रल भी हीट कर देंगे। अभी देखिए टर्मिनेशन जो है आपका कुछ इस तरह से कंप्लीट टर्मिनेशन हो गया। अब इसमें पावर चालू कीजिए, आपका पावर। अभी इसी का फोटो जो है वो हम थंबनेल पे लगाएंगे।